और ये हमारी छोटी बुल्ली आज यहाँ पे हमारे साथ आई है अपना YouTube ब्लॉग बनाने के लिए। और काफ़ी अच्छा नज़ारा हमारे गांव का, बादल ही बादल, कोरा ही कोरा लगा हुआ है। मानो ऐसा लग रहा है कि हम पूरे सावन का महीना हमने एडवांस में ही इस सावन के महीने का एंजॉय ले लिया है, जबकि अभी जून का महीना चल रहा है। और गढ़वाली भाषा में बना असाड़ को मैनू। और ये देखिए काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन। सृष्टि भी हमारे साथ आज यहाँ पे इस मौसम का आनंद लेने के लिए आई है, क्योंकि दो दिन से लगातार बारिश थी, सब लोग रजाई के अंदर थे। हमें ऐसा लग रहा था कि हमें यहाँ पे ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी भी मौसम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे गांव में बारिश तो हो रही है पर आपके गांव में हमें नहीं पता। और हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के पैतृक मंदिर भगवान ये, और हम अपने जगन्नाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं। हमारा छोटा भाई पवन यहां पे हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ रहा है, और फिर से पूरा कोहरा छा चुका है यहां पे, और हमें कहीं जोंक ना लगे हमको ये भी देखना पड़ेगा। सृष्टि के पैर पे जोंक लग चुकी है, देखना पड़ेगा। हाँ नहीं लगी। और ये हमारे जखनार मंदिर का प्रांगण स्टार्ट हो चुका है, और हम धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से भगवान के प्रांगण में जा रहे हैं। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं, आप सभी के, अपने मित्रों के, जितने भी हमारे YouTube चैनल पे हमारे मित्र बने हुए हैं। हम अपने भगवान से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हमारी सांसें भी फूल चुके हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चढ़ाई थी और हल्की बूंदाबांदी बारिश भी चल रही है। और हम अपने मंदिर में पहुँच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी दरवाज़ा, जो गेट है मंदिर का, वो खुला नहीं है, क्योंकि ये चाबी पुजारी जी के पास रहती है। और ये मंदिर जब हमारे गांव में एक महीने की जो संक्रांत बोलते हैं, जो भी त्यौहार आता है उसमें भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, और अभी वो नेक्स्ट मंथ को चढ़ाया जाएगा। और ये जो तीन पेड़ हैं हम आपको दिखा रहे थे, और ये हमारी सृष्टि बुली काफ़ी इंजॉय ले रही है बारिश में, काफ़ी अच्छा जुनून इनके अंदर इतना वर्कआउट करने का। और अब हम लेके चलते हैं, जो मैं आपको कह रहा था कि हमारे गांव में जो तीन पेड़ हैं मंदिर में, मंदिर प्रांगण में, जो भगवान माँ चंडिका को, ऋषि महाराज को और भूम्याल देवता को समर्पित है। हमारे भूम्याल, अभी हमें लग रहा था कि बारिश कम हो जाएगी, लेकिन बारिश आ गई है फिर से, और हम जल्दी हमें शूट करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। और अगर हम निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा ही बारिश आ जाएगी तो रुकने का भी मौका है, प्रतीक्षालय बना हुआ है, और हमारा एक और रूम यहाँ पे मंदिर का वो भी बना हुआ है। हम वहाँ पे नहीं होंगे तो फिर थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पे जाएंगे। और अब हम चलते हैं, अब हम पहुँच चुके हैं सीधे जहाँ पे हमने बताया था आपको कि जो ये तीन बड़े बड़े पेड़ हैं हमारे भगवान को समर्पित हैं। इन तीनों पेड़ों का रहस्य ये है कि एक माँ चंडिका को समर्पित, और एक भगवान जाग महाराज को समर्पित, और एक ऋषि महाराज को समर्पित यह पेड़। क्या सुंदर नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है हमको। और सृष्टि, हम नेक्स्ट टाइम पे कब आए थे यहाँ पे? हम आए थे इससे पहले संक्रांत में आए थे हम। हाँ, और हमें यहाँ पे क्या क्या खाने को मिला था मंदिर में? हलवा, हाँ, पूरी, पकौड़ी। आराम से चलना पड़ेगा यहाँ पे। और ये अब हम पहुंच चुके हैं हिसोल के पेड़ में। हिसोल तो खत्म हो रही है, बस थोड़ा सा मिलेगी देखने को, बाकी पक्षियां खा चुके हैं। और आजकल पक्षियों को ये अच्छा भोजन मिलता है, और शायद सृष्टि को एक मिल गया है। अब हम चलते हैं फिर से अपने प्रतीक्षालय की ओर, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं पहाड़ी सेब किरमोर। ये किरमोर, वाव, किरमोर दिखाते हैं हम आपको, अभी पके नहीं, कच्चे किरमोर है। और अगर बारिश ज्यादा लगेगी हम पे काफी उपाय है, ऑप्शन है। ये पेड़ में बैठ के हम अपना
बारिश से बचने के लिए हमें काफी अच्छा मौका, सुनहरा मौका। और अब हम चलते हैं धीरे धीरे कदमों से अपने घर की ओर, क्योंकि बारिश काफी लग चुकी है। और हमने पहले भी बताया था कि जो हमारा YouTube चैनल है ये सिर्फ हमारे धार्मिक और पर्यटन ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। इसमें आप सभी को हमारे धार्मिक चैनल के माध्यम, हमारे इस देवभूमि चैनल के माध्यम से धार्मिक वीडियोस जैसे ट्रैवलिंग और कैंपिंग पे दिखेगी। और अब हम सीधे चलते हैं और अब हम चलते हैं सीधे घर की ओर। और खाने में काफी स्वादिष्ट भी होती है। और ये काफी पानी भर चुका है नाले में, पानी में जाने के लिए। और ये हमारी छोटी बुल्ली सिट्टू, इसको भी डर लग रहा है पानी में जाने के लिए। और आजकल इन्होंने काफी एंजॉय कर लिया है लॉकडाउन में, स्कूलें नहीं खुल रही हैं। और ये भी कुछ दिन बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट करेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, बस थोड़ी सी दूरी पे स्थित हमारे गाँव का मंदिर जखनार, जहाँ पे त्रिदेव भगवान निवास करते हैं, माँ चंडी का ऋषि महाराज और भूमियाल देवता, ये तीन देवता यहाँ पे विराजमान हैं। और जो ये तीन पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये भगवान के लिए ही समर्पित हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमें नहीं पता ये पेड़ कब लगे, और हमारे पूर्वजों ने इन पेड़ों को लगाया था। और अभी हम लेके चलते हैं आपको सीधे अपने मंदिर। और पता नहीं कितना आनंद ले रही है इस फिसलन पट्टी का, बचपन में काफ़ी खेला करते थे हम इस पत्थर पे, और काफ़ी एंजॉय ले रही है। और इस हमारे गांव का ये जो नज़ारा, काफ़ी सुंदर भी है।